गुड मॉर्निंग। अभी अभी मैं उठी हूँ, दोपहर के 12 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं घर का हाफ काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप लोग को पता है मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ। आज के दिन में मेरी ये कोशिश है कि मैं आज सारा काम खत्म करके ना बस इजी हो जाऊँ। जितना भी पैक हुआ हुआ सामान है वो सारा खोल के उनकी जगह पे रख दूँ। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा काम रह गया तो मैंने सोचा है कि मैंने थकना नहीं है, किसी काम की जल्दी नहीं है। जो बाकी का थोड़ा काम है वो मैं परसों पे डाल दूंगी। उससे पहले ये कि मैं अरमान का वेट कर रही हूँ। अरमान शायद छत पे गए हुए हैं, वो आते हैं तो फिर हम नाश्ता करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरमान नाश्ते का क्या करना है? नाश्ता क्या करना है, घर से या बाहर से? घर घर से। क्या बना रही हो? अंडे। तो मुझे भी पता था, वैसे मैंने वैसे ही पूछा। ठीक है, अभी हम जी नाश्ता कर रहे हैं। कर नहीं रहे, बना रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ ये किया क्या है? मेरी बात सुनो। हाँ। जब भी कोई नया चूल्हा होता है, कोई नया बर्तन होता है, नया चम्मच होता है, तो चीज सही नहीं बनती। कौन है ये लोग? अभी मेरा ना हाथ नहीं सेट, जिस तरह फोन पे नहीं सेट ना, इस तरह हो जाएगा। अच्छा। मैं सिलेंडर बना के नहीं देती थी। अच्छा, बिल्कुल सही अंडा बनता था, परफेक्ट, बिल्कुल सही अंडा। कल वाले व्लॉग में देखना, बिल्कुल सही होगा। ये दूसरे वाला है, काफी बेहतर है ना उससे? हाँ, बहुत बेहतर है। ओहो हो। प्रॉब्लम ये है कि जो फ्राइंग पैन है वो नॉनस्टिक नहीं है। हाँ, नॉनस्टिक अच्छा नहीं ना होता, इसलिए मैंने नॉनस्टिक नहीं लिया। अच्छा, अच्छा नहीं। पब्लिक सर्विस मैसेज है। नाश्ता अगर ऐसा भी हो कोई बात नहीं, क्या ख्याल है? लेकिन मंजर ऐसा होना चाहिए। Two hours later. अभी क्या कर रही हो? ये बिरयानी गर्म हो रही है, कल से यही चल रहा है। काम करते हैं, फिर भूख लग जाती है, खाना खाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर खाना खाते हैं। अभी नाश्ते के बाद हम काम पर लग गए थे। हाँ, और अब फ्री हुए हैं। Many unbearable hours later. खाना शाना खा के हम फारिग हो गए थे, उसके बाद दोबारा से काम पे लग गए, और फिर शाम हो गई और अब हमें फिर भूख लग गई। अब हम फिर तैयार होके बाहर खाना खाने जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या था, व्लॉग था कि नहीं था, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग देखना चाहेंगे, तो फिर मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगी। ये आप लोगों का रिस्पांस बताएगा कि मुझे कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना। इस व्लॉग को आप ट्रायल व्लॉग या बोनस व्लॉग समझ के एंजॉय करें। The next day. यहाँ पे कुछ काम रहता है इस कमरे में, लेकिन जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कल परसों कल ढेर लगा हुआ था, इतने सारे शॉपरों का, वो सारा काम मैंने कम्प्लीट कर लिया। देखो, उठते साथ ही ना मैं जो हूँ नीम गर्म पानी लाजमी पीती हूँ। क्या बात है सर। साथ साथ जो है मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी कि मैंने कौन सी वार्डरोब सेट कर ली है। जो मेरे कमरे वाली अलमारी है ना, वो मैंने तकरीबन सेट कर लिया है। बाकी जो आयरा वाला कमरा है, मेरी बेटी वाला कमरा जो है ये वाला, यहाँ पे भी कुछ सामान रहता है। ये उसके खिलौने हैं, उसकी अलमारी सेट होने वाली है, और उसके लिए जो है ना हमने मैट्रेस लेके आना है। बेड पे उसे मैं सुला रही हूँ, 2 साल से बेड पे सो रही है। लेकिन बेड पे सुला के ना बच्चों को यही खौफ होता है कि बच्चे नीचे गिर ना जाए। जब छोटी थी एक दफा गिर भी गई थी, सबके साथ ऐसा हुआ होगा, अकेली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो एक रिग्रेट है ना, वो मेरे दिल से जाता ही है, वो खौफ मेरे दिल से जाता ही है। आज देखते हैं, अगर आज हमने मैट्रेस लेके आना हो तो आज लेकर आएंगे, और इसका कमरा जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें, पहले मैं पानी पी लूं और नाश्ता कर लूं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूं। सुबह सुबह बाहर आके बैठ जाती हो, क्या चक्कर है? धूप लेने के लिए, धूप, मैं धूप से चलती हूं। तुम सोलर हो? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अच्छा, आपकी वीडियो पे कैसा रिस्पांस आया? वो जो घर वाली वीडियो थी, उस पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं लोगों ने। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि हर बंदा मुबारकबाद दे रहा था। मेरी खुशी थी, मेरी चीज थी, लेकिन लोगों को दिल से खुशी हो रही थी। और लोग आके मुझे लाइव पे भी, इंस्टाग्राम लाइव पे भी और दूसरी लाइव पे भी मुबारकबाद दे रहे थे, बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब तुमने कहा है ना कि मेरी चीज थी, इसके ऊपर भी कमेंट आ सकते हैं। इससे पहले कोई कमेंट करे, इस चीज को दुरुस्त कर लो। मतलब एक बात कर रही हूँ कि घर की वीडियो बनाई थी ना, हम रह रहे थे वहाँ पे, हम दोनों रह रहे थे, आप मैं हम दोनों रह रहे थे, तो लोगों को खुशी हो रही थी। कुछ लोग आगे कह रहे थे कि घर आपने लिया है, और खुशी हमें हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बगैर किसी मफाद के किसी की खुशी में खुश होता है, क्योंकि आजकल के दौर में ना लोग नहीं रहते खुश, नहीं होते खुश किसी को खुश देख के। तो जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। ये पीछे ही है ना आपका घर, ये वाला? जी, अच्छा लग रहा। हमारा घर बंद करो, हाथ जोड़ के मैं इनको कहती हूँ सामान ला के दो, घर में खाना पकाती हूँ। और अरमान कहते हैं नहीं, बाहर चलो, बाहर जाके खाना खाना। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अरमान को मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद, या फिर मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, है ना अरमान? बाहर आते जाते रहना चाहिए, बाहर आते जाते रहना चाहिए, ताकि बंदे का माइंड फ्रेश रहे। लेकिन फिर भी मैं रोज ही कह रही होती हूँ कि अरमान खाना बनाते हैं, और आप रोज ही कह रहे होते हो बाहर चलते हैं। तो ये बता दो, इसकी वजह ये तो नहीं कि आपको खाना पसंद नहीं है मेरे हाथ का?
नहीं नहीं, ये वजह तो नहीं है, बस मुझे खुद से शौक है बाहर आउटिंग वगैरह करने का। अच्छा, मेरा जो है ना ये सीन है कि मेरे खाना खाने में कोई नखरे नहीं है कि मुझे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मतलब सब कुछ पसंद है, सब्जियाँ, दालें, चिकन, गोश्त, टकाटक, सब कुछ पसंद है। मैं सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हूँ? पागल अरमान, हद हो गई, लोगों ने सीरियस समझ लेना है। सही बताओ, मैंने आपको यहीं पे छोड़ के घर चले जाना है? निहारी। हाँ निहारी, क्या कर रहे है यार तू? एक दफा दोबारा बोलो, रुक के बोलो। हाँ ये कर लो पहले। निहारी निहारी निहारी। तो चलो अब खाने वाली लोकेशन पे पहुंच गए हैं, खाना खा के फिर आप लोगों से बात करते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग। कल रात जो आप लोगों से मैंने बात की थी उसके बाद हम थके हुए थे तो आके सो गए थे। अभी उठी हूँ और फ्रेश हो गई हूँ, अरमान भी फ्रेश हो गए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले कमरे के लिए, जिस कमरे में मैं खड़ी हुई, उस कमरे की सेटिंग करने के लिए, मतलब इस कमरे की मैंने सेटिंग इस तरह से करनी है जैसे वो मैट्रेस वाली सेटिंग होती है ना, जमीन पे मैट्रेस पड़ा होता है, कलीन होते हैं और हैवी पर्दे शर्दे, इस टाइप की सेटिंग करनी है आयरा के लिए। तो उसके लिए हम घर के पर्दे, घर के मैट्रेस वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। और नाश्ता हमने नहीं किया हुआ, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि लेट नाइट हमने पिज्जा खा लिया था, उससे पहले बिरयानी खा ली थी। तो बाहर चल के देखते हैं कि नाश्ते में हमने क्या खाना है। अपनी थोड़ी सी पूरी लुक आपको दिखा देती हूं। ये पीछे पड़ा हुआ जो गंद है इसको इग्नोर करें। आ गई उबर, उबर आने वाली है, जाके तो फिर आप लोगों को मैं अपडेट देती हूँ कि मैं घर के लिए क्या क्या ले रही। Many unbearable hours later. मैट्रेस लेने के लिए निकले थे लेकिन हमें मैट्रेस नहीं मिला जो मैट्रेस हम चाह रहे थे। किचन के कुछ चीजें, बर्तन हैं तो सही काफी ज्यादा, लेकिन वो ऊपर वाले किचन में रखे हैं। लेकिन जो चीजें हमारे पास नहीं थी, कटिंग बोर्ड नहीं था हमारे पास, तवा नहीं था, फ्राइंग पैन नहीं था, डस्टबिन नहीं थी, कंट्रोल। तो किचन का जो है ना, अब हमारे पास टोटल सामान कम्प्लीट हो गया। टोटल अब किचन की कोई ऐसी चीज नहीं है, चम्मच छुरी कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे पास ना हो। अब कल हमने जाना है किचन की ग्रोसरी के लिए जिसमें मसाले, ऑयल, चावल, आटा, चीनी, लाल मिर्च, इस तरह की सारी चीजें। फिर किचन का जो है ना हमारा टोटल सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। आयरा वाले कमरे का मैट्रेस और बर्दा आएगा तो वो वाला कमरा सेट हो जाएगा। जो बाकी घर है जो खाली पड़ा हुआ है, बोलो तो आवाज गूंजती है, ये भी हम साथ के साथ सेट करेंगे क्योंकि हम हैं ही दो लोग। जैसे जैसे हमें घर में जिस जिस रूम की जिस जिस जगह की जरूरत होगी वैसे वैसे साथ साथ उसको सेट करते रहेंगे और आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। क्या है जी? आप बताओ। ये किसी के मुंह जैसा लग रहा है। किसके मुंह जैसा? वो लादा जुतियां खानियां ने। ये मुझे बड़ी अच्छी बास्केट लगी, पता नहीं किस चीज के लिए लेकिन ये बड़ी अच्छी है। इसके ऊपर तो ली क्यों है फिर? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी रख लेंगे, चमचे रख लेंगे, मैं फिर देखूंगी किस काम आएगा। चमचे नहीं, चम्मच होता है। ज्यादा चमचों को चमचे ही कहते हैं। मैं ये वाले मसाले वाले डब्बे मुझे पसंद नहीं है, मैंने दराज पे देखे मैं वो मंगवाऊंगी। लेकिन फिलहाल इससे कुछ लग रही है। हाँ अच्छी तो है लेकिन जब तक पर्पस नहीं बताओगे तब तक मजा नहीं आएगा। पर्पस कुछ भी रख सकते हैं, आपके कपड़े रख दूंगी इसके अंदर। गजब बेइज्जती है। नानी तेरी मॉर्निंग को मोड़ लेंगे, बाकी जो बचा था काले छोड़ लेंगे। अभी ये 2 साल की नहीं हुई। आज फिर से बाहर से खाना खा के आए हैं। रोज सोचते हैं घर में खाना पकाएंगे लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है चलाते हैं। बाहर गए थे, खाना शाना खाया, बिरयानी और फिश। जब से सर्दी आई है ना आज मैंने पहली दफा फिश खाई। यार ये बाहर से खाना खाना वैसे इसका कोई इतना मसला नहीं है क्योंकि सबको पता होगा जब इंसान कोई नया किसी जगह पे शिफ्ट होता है तो टाइम तो लगता है। हाँ, तो एकदम सेटअप नहीं ना हो पाता घर का सामान बिखरा होता है, किचन से इतना सेट नहीं हो पाता। लेकिन अब जो है काफी हद तक सेट हो गया। तो अब मेरा दिल कर रहा है बाहर के खाने खा हो गया ना, थक गई, अब दिल कर रहा है कि घर में सब्जी बनाऊंगा। मैंने आपने कोई बात करनी? मैं तो देख ही रहा हूँ कि तुम क्या बोल रही हो। मुझे देख रहा ये बस मुझे ही देखते रहते। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। तो चलें आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि अब इसके बाद नीचे जाके करने वाला कोई काम नहीं है, इसके बाद मैंने सोना है। आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है क्योंकि अभी मेरा नया ये सीन है कि मैं व्लॉगिंग करने लग गई हूँ। कमेंट्स में मुझे बताना है कि किस चीज का मजा आ रहा है, मजीद क्या देखना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहें तो आप लोग मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।